नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश और आपका मेरे चैनल होम एंड केयरफुल गार्डन पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप घर पे सीडलिंग ट्रे या पॉट कैसे बना सकते हैं, जिससे कि आप इजीली सर्दी के जितने भी आपके विंटर के फ्लावरिंग के सीड्स हैं या सब्जियों के बीज हैं, उन्हें आप आसानी से सस्ते ग्रोइंग पॉट्स में ग्रो कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि मार्केट में आजकल सीडलिंग ट्रेज या पॉट्स, चाहे वो प्लास्टिक के हों चाहे वो मिट्टी के हों, काफी एक्सपेंसिव हो गए हैं। ऐसे में अपने सीडलिंग्स को ग्रो करने के लिए हम घर पर ही आसानी से न्यूज़पेपर, जो कि एक वेस्ट हो जाता है नेक्स्ट डे, उसको यूज कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से सस्ते पॉट्स हम बिना पैसा खर्च करे घर पे बना सकते हैं और इनके रिजल्ट भी काफी अच्छे होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैंने लिया है एक वेस्ट न्यूज़पेपर और इसमें से फ्रेंड्स हम कोई एक पेपर निकाल लेंगे बीच में से, या आप फाड़ के भी एक सिंगल पेपर निकाल सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बनाएंगे स्क्वायर, जो हमारा पॉट होता है वो सीडलिंग पॉट, और उसके बाद मैं आपको बनाना सिखाऊंगा सर्कुलर सीडलिंग पॉट। तो दोनों ही आसान हैं बनाने में, आपको जो पसंद आए वो बनाइए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने एक सिंगल न्यूज़पेपर ले लिया है और इसे हम इस तरह से मोड़ेंगे। आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जो ऊपर वाला एरिया है वो खुला रहना चाहिए। ये देखिए कुछ इस तरह से, ये ऊपर से खुला हुआ होना चाहिए। फोल्डेड पार्ट हम नीचे की तरफ रखेंगे। अब हम फ्रेंड्स इसे मोड़ेंगे अच्छी तरह से, जिससे कि हमें एक सेंटर में लाइन मिल जाए। एक सीधी लाइन हम इसमें बनाएंगे। तो न्यूज़पेपर को फोल्ड करके इस तरह प्रेस कीजिए। आप देख सकते हैं एक सेंटर में लाइन मिल गई है हमें और ऊपर से ये हमारा खुला हुआ है। फिर हम इसे फ्रेंड्स इस तरह मोड़ेंगे, वो भी उस लाइन के साथ पैरेलल, उस लाइन के पैरेलल हम इसको मोड़ेंगे जो हमने बीच में अभी बनाई थी। तो इस तरह से आप ट्रायंगल बनाएंगे और इधर की तरफ से भी आप इस तरह से एक ट्रायंगल बनाएंगे। दोनों तरफ से अच्छी तरह मोड़ लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जो ऊपर वाला पार्ट है हम उसको फोल्ड करेंगे। ये हमने एक फोल्ड कर लिया। अब इसको हम फ्रेंड्स दोबारा एक बार और फोल्ड करेंगे, जिससे कि जो हमारे ट्रायंगल्स के नीचे के कॉर्नर्स हैं वो इनके अंदर अच्छी तरह दब जाएं। तो इन्हें कवर करना है। आप देख सकते हैं बैक से फ्रेंड्स जो ऊपर वाला पोर्शन है वो फ्री है। अब हम फ्रेंड्स इसे एक बार फोल्ड करेंगे अच्छे से बीच से, जिससे कि जो हमारी सेंटर लाइन है वो फॉर्म हो जाए और हमें पॉट बनाने में आसानी हो। तो अच्छी तरह प्रेस करने के बाद ये हमें मिली है एक सेंटर लाइन, और यहाँ से हम अपने पॉट को ऊपर की तरफ से फोल्ड करके उस सेंटर लाइन तक फोल्ड करेंगे। फिर कोनों से इसे अच्छी तरह प्रेस कर लेंगे। और सेम यही तरीका हम दूसरी साइड करेंगे। अब जो ये ऊपर का पार्ट बचा है फ्रेंड्स हम इसे मोड़ेंगे। आप देख सकते हैं ये बीच में स्पेस है। अब इस पार्ट को मोड़ेंगे कुछ इस तरह से, अच्छी तरह प्रेस करेंगे, दबाएंगे। और अब इसमें भी हम फ्रेंड्स ऊपर से ट्रायंगल्स फॉर्म करेंगे। तो इस तरह से मोड़ें ऊपर से, जिससे कि ट्रायंगल्स बन जाएं। ये एक लिफाफे की तरह हो गया है फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है कि ये जो चोंच ऊपर की तरफ से ये जो ट्रायंगल्स बनाने के बाद फॉर्म हुई है, इसे हमें अंदर की तरफ को टक कर देना है। अंदर की तरफ मोड़ के हमें अच्छी तरह प्रेस कर देना है। तो ये क्या होता है, फिर बाद में ये खुलता नहीं है।
आपको इसे अच्छी तरह अंदर दबा के प्रेस करना है फ्रेंड्स, जिससे कि पॉट बनने के बाद ये खुले ना। तो ये हमने अच्छी तरह बंद कर लिया है फ्रेंड्स। अब आप देख सकते हैं हमारा जो पॉट है वो ऊपर की तरफ से बन गया है। इसे खोलेंगे हम, खोलने के बाद ही कुछ ऐसा दिखेगा। अब फ्रेंड्स नीचे का जो ये पार्ट है, जो ये चोंच है, हमें इसे इस तरह मोड़ना है। ये वाली जो चोंच है हम इसको नीचे इस तरह से टच करेंगे। मेन पर्पज़ है नीचे, यहाँ से हमें इसे बिल्कुल फ्लैट करना है। तो इस तरह रख के हम इसे यहाँ से दबाएंगे तो ये एक लाइन फॉर्म करेगी, जिसके थ्रू हम अपने पॉट को फोल्ड कर लेंगे नीचे से। और ये एकदम बढ़िया से नीचे से बन जाएगा। तो हमने लाइन बना ली है। अब मैं आपको पॉट खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए हमने पॉट खोल लिया है और यहाँ से जो हमने लाइन बनाई थी उसके सहारे, इस लाइन के सहारे हम इसे यहाँ से प्रेस करके फोल्ड करेंगे। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल आसानी से मुड़ रहा है। तो ये हमारा जो पॉट है फ्रेंड्स वो बनकर तैयार है। नीचे से इसे थोड़ा सा सेट करेंगे और प्रॉपरली अलाइन करेंगे, जिससे कि ये आसानी से खड़ा हो जाए। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये पॉट बन जाते हैं आसानी से घर पे। लीजिए हमारा पॉट बनकर तैयार है। और इस पॉट में आप फ्रेंड्स किसी भी तरह के सीडलिंग्स को ग्रो कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जहाँ भी आप इसे रखें, ये न्यूज़पेपर का बना हुआ है, ये चीप है, तो इसके ये प्रोज हैं और इसके कॉन्स ये हैं कि आप इसे एक जगह से दूसरी जगह बार बार उठाकर नहीं रख सकते हैं। तो सस्ते पॉट हैं तो इनके सस्ते होने के फ़ायदे हैं, लेकिन इनकी जो एक बुराई है या जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इनको आप एक जगह से दूसरी जगह बार बार उठाकर नहीं रख सकते हैं। ये अखबार के या न्यूज़पेपर के होने की वजह से बहुत फ्रेजाइल होते हैं और आसानी से फट जाते हैं। दूसरा तरीका फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा वो ये है, इसमें हम बनाएंगे सर्कुलर पॉट्स। और ये वाले पॉट्स जो हैं पहले पॉट्स से काफ़ी मज़बूत होते हैं। तो ये न्यूज़पेपर मैंने लेके सिंगल न्यूज़पेपर लिया है और इसे इस तरह से दो फोल्ड्स में कर लिया है, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे। इसमें फ्रेंड्स जितनी बार आप फोल्ड करते हैं उतना मज़बूत आपका पॉट बनता है, और जितनी बार आप फोल्ड करते चले जाते हैं उतनी पॉट की हाइट कम हो जाती है। तो इस तरह से मैंने मोड़ लिया है, आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर को। अब हम लेंगे कोई भी एक गोल चीज़। मैं यहाँ पे स्प्रे बॉटल ले रहा हूँ, आप कोई भी तरह की बॉटल ले सकते हैं जो कि शेप में गोल शेप में हो। और इस तरह से पकड़ के दबाते हुए प्रेशर से बस इसको घुमाते जाना है इस तरह से। तो इस तरह से चलते चले जाएंगे, बिल्कुल न्यूज़पेपर के एंड तक आपको इसे मोड़ते चले जाना है। और थोड़ा सा टाइट हाथों से इसे करना है, तो ये इसमें जो गैप है वो लेयर्स में गैप कम आएगा अगर आप थोड़े स्टिफ तरीके से इसे बाइंड करते हैं। आप थोड़ा सा बॉटल को बाहर की तरफ पुश करेंगे और नीचे से जो हमारा ये न्यूज़पेपर है इसे इस तरह से दबा देंगे। दबाने के बाद फ्रेंड्स जब ये अच्छी तरह से इस तरह दब जाएगा तो इसको पकड़ के नीचे फ्लोर पे इस तरह से रगड़ेंगे, जिससे कि ये एकदम सेट हो जाए। अब हम बोतल को ऊपर की तरफ से धीरे धीरे निकालेंगे। ये बोतल निकल गई है और ये जो ऊपर खुला रह गया है हम इसे स्टेपलर से स्टेपल कर देंगे। तो लीजिए इसे हमने कर लिया है यहाँ पे स्टेपल। और फ्रेंड्स ये जो आप अंदर गैप देख रहे हैं, ये जो होल सा हो गया है, इसे हम कवर करेंगे इस तरह के टुकड़े से। तो
एक और न्यूज़पेपर का टुकड़ा लेकर आप इस तरह से इसमें रख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं बिल्कुल पॉट यूज़ करने के लिए रेडी है। और ये वाली जो सर्कुलर पॉट्स हैं ये फ्रेंड्स मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करता आ रहा हूँ और ये काफ़ी अच्छी तरह चलते हैं और इनमें जो सीडलिंग्स हैं वो अच्छी तरह ग्रो हो जाते हैं। ये जो स्क्वायर वाला पॉट है फ्रेंड्स ये मैंने इतना यूज़ नहीं किया है, ज़्यादातर मैं मोस्टली ये जो गोल वाले पॉट्स हैं इन्हें यूज़ करता हूँ। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस तरह के पॉट्स में इजीली आप घर पे सीडलिंग्स ग्रो कीजिए और बहुत चीप पड़ता है और प्लांट को ट्रांसप्लांट करते हुए भी कोई दिक्कत नहीं होती। सीधे इस पॉट को लेके आप डिज़ायर्ड लोकेशन में या पॉट में सीधे मिट्टी में गड़ा दीजिए, इसको खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। कुछ टाइम बाद प्लांट्स की रूट इसमें से आसानी से फैल जाती हैं। तो दोनों पॉट्स आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। और इन दोनों में सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट मुझे अच्छे जो हैं वो मुझे सर्कुलर पॉट लगते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ दबाइए बेल आइकन जिससे कि हमारी फ्यूचर नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो फिर मुलाकात होगी फ्रेंड्स किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।